सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर जापान से आ रही है, जहां पर जापान में हेल्थ सप्लीमेंट लेने से 5 लोगों की मौत हो गई, 114 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों में किडनियों की दिक्कतें भी हो रही हैं। जापान में हेल्थ सप्लीमेंट लेने से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 114 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, अस्पताल भी भिजवाया गया है। कोबियासी फार्मास्यूटिकल ने पिछले हफ्ते अपने प्रोडक्ट को बाजार में वापस लेने की घोषणा की थी। आरोप है कि कंपनी मामले में देरी की है। इस हेल्थ सप्लीमेंट को खाकर कुछ लोगों की किडनी में भी दिक्कतें हो गई हैं। जापान में हेल्थ सप्लीमेंट लेने से 5 लोगों की मौत के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हाहाकार मच गया है। इल्ज़ाम है कि देरी से हेल्थ सप्लीमेंट में खाकर कुछ लोगों की तबीयतें बिगड़ गई हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। हाकुबेयाशी फार्मास्यूटिकल सालों से बेनिकोजी उत्पाद बेच रही है। पिछले 3 सालों में 10 लाख पैकेज बेचे गए हैं, लेकिन 2023 में प्रोडक्ट के साथ ये मामला सामने आए हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने पिछले साल 18.5 टन बेनिकोजी का उत्पादन किया है। कंपनी के सप्लीमेंट सहित सभी चीज़ों को वापस ले लिया गया, जिसमें बेनिकोजी शामिल हैं। बताया है कि मंत्रालय ने वार्निंग दी है कि और मौतें हो सकती हैं। सप्लीमेंट को डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा खरीदने पर रोक लगा दी है। आशंका है कि वापसी से पहले इसे कुछ बाकी लोगों के पर्यटकों ने खरीदा हो। कंपनी के अधिकारी आई कोरी कुपाइश ने लोगों से माफ़ी भी मांगी है। अब अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में भीषण सड़क हादसे के बाद कई ट्रांसपोर्टेशन की टक्कर में 27 लोग घायल हैं, एक की ऑन दी स्पॉट मौत भी हो गई है। म्यांमार के मांडे क्षेत्र में कई ट्रांसपोर्टेशन की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई और 27 लोग घायल हैं। सिंधु समाचार एजेंसी के मुताबिक एक कार ने पहले एक साइकिल को टक्कर मारी और फिर कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों को ले जा रहे दूसरे वाहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से टकरा गई। दोनों वाहनों में कुल 27 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक महिला औरत की मौके पर मौत हो गई है। ये मामला मांडले क्षेत्र में आ रहा है, जहां पर शहर में शाम करीब 4:20 पर थर्सडे को ये मामला हुआ है। सिन्हुआ समाचार के मुताबिक एक कार ने शुरुआत के सारे मामले को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस दौरान साइकिल चलाने वाले की मौके पर मौत हो गई थी। मायूसट शिट माइन परमामी बचाव संगठन ने एक अधिकारी को बताया है कि दोनों ट्रांसपोर्टेशन में कुल 27 लोग घायल हुए हैं। अब अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो 165 फीट गहरे गड्ढे में गिरी बस, जहां पे 45 लोगों की मौत हो गई। 8 साल की मासूम बच्ची बच चुकी है। बस ने नियंत्रण खो दिया था, यानी कि अपना बैलेंस खो दिया था। उसके बाद वह जोहान्सबर्ग लगभग 300 किलोमीटर 190 मील उत्तरी मोकोपोन मोक्रोन के खाई में एक पुल से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी लोग की जाने जा चुकी हैं। एक बस पुल लगभग 50 मीटर यानी कि 165 फीट नीचे गड्ढे में गिरी है। बस में सवार 45 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में सिर्फ 8 साल की एक बच्ची बची है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस एक बैरियर से टकरा कर गड्ढे में गिरते ही उसमें आग लग गई। बस बोत्सवाना देश के ईस्टर यात्रियों को लेकर अफ्रीका की तरफ जा रही थी। लिम्पोपो प्रोविंस शहर में मोरियो लेके जा रही थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी पब्लिक ब्रॉडकास्ट ने एसबीए के मुताबिक बताया है कि बैलेंस खोने के बाद वहां पर यह हादसा हुआ है। घटना हादसे पर पहुंचे परिवहन मंत्री सिंदिस्वे चिकुंगा ने दुखद बस दुर्घटना में अपने परिवार वालों को संवेदना दी है। इतना ही नहीं, चिकुंगा ने कहा है कि हम हर वक्त ज़्यादा सतर्क रहना जिम्मेदारी समझते हैं, ड्राइविंग की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ईस्टर वीकेंड में ज़्यादातर लोग हमारी सड़कों पर हैं। बता दें कि सड़क सुरक्षा के मामले में अफ्रीका का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। वहीं बात अगर आप करें साइक्लोन की, तो मेडास्कर में गेवेन के कहर में 14 लोगों की मौत हो गई है। देश के साथ पूरी तरह से क्षेत्र तबाह हो चुका है। चक्रवात गेवेन की वजह से ये मामला आ रहा है, जहां पर साइक्लोन में 14 लोगों की जान चली गई है। चक्रवात गेवेन की वजह से मेडास्कर के 14 लोगों की जान सिर्फ चली नहीं गई है, बल्कि 3 लोग घायल भी हुए हैं और 3 लोग अभी भी लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्सडे को मेडागास्कर के राष्ट्रीय जोखिम आपदा कार्यालय यानी कि जो BNGRC कहलाता है, वहाँ पर वेडनेसडे को साइक्लोन आ गया था, भूस्खलन आ गया था। उसके बाद वहाँ पर लोगों की मौतों का मामला शुरू हो गया। वहीं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश भी हो रही है। देश के क्षेत्र को तबाह करने वाले इस साइक्लोन में 9024 घरों सहित कुल 36,000 घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लगभग 18,600 लोग यानी कि 5,000 परिवार वालों के इलाके में 70 इमरजेंसी घरों को खाली करने को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदेन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम तरबियत हुस्न अखलाक हिफ्ज कुरान करीम और स्पोर्ट्स के तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस दे स्कूल का इंतखाब करें।